सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आंदेश कमाल एंड यू आर वाचिंग एबी प्रोडक्शंस। आज मैं आपके सामने सुजुकी कल्टस 2019 का रिव्यू लेके आया हूँ, जिस पर मैं आपको बताऊँगा गाड़ी के सारे स्पेक्स, गाड़ी के फीचर्स के बारे में और आखिर में ऑब्वियसली इसकी प्राइस के बारे में कि गाड़ी कितने की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और कम से कम 1000 लाइक्स तो लाजमी करना यार, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं ऐसे ही आपके सामने अच्छी अच्छी न्यू अपकमिंग वीडियोस लेके हाजिर होता रहूँ। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो सुजुकी कल्टस 2019 1000 सीसी मिड रेंज कार है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ है। तो बेसिकली ये गाड़ी बिलोंग करती है थर्ड जनरेशन ऑफ कल्टस, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2014 में आई गेस। तो इसमें काफ़ी दो वेरिएंट्स में आती है गाड़ी। तो चले इसके वेरिएंट्स को मैं देख लेते हैं, कलर्स देख लेते हैं, स्पेसिफिकेशन फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें हमें 2019 कल्टस में हमें जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स मिलते हैं, वो हमें फीचर्स जो हैं वो पावर स्टीयरिंग, फोग लाइट्स, पावर विंडोज़, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एयर बैग्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही फैबुलस इंटीरियर के साथ है। और इसमें हमें एयर कंडीशनर भी मिल जाता है, सीडी प्लेयर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है और रिमोट बूट मिल जाता है, टेकोमीटर, कप होल्डर्स और एफएम रेडियो मिल जाता है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें हमें जो उनसे ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 mm मिल जाती है, वेट 795 kg मिल जाता है, नंबर ऑफ़ डोर्स 4 हैं और हाइट जो उसकी है वो 1540 mm है। लेंथ जो उसकी देखते हैं आप तो वो है तकरीबन 3600 mm की और विड्थ ओवरऑल जो है इसकी 1600 mm है। तो इसमें आप अगर फ्यूल टाइप देखें तो वो पेट्रोल है और 1000 cc इंजन है, हॉर्स पावर 67 hp एट 6000 rpm की और नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स 3 है। और जो सा है इसमें टायर्स की बात करते हैं तो व्हील साइज इसमें आपको 14 इंच का मिल जाता है और लॉय रेम्स मिल जाते हैं। और माइलेज अगर आप इसकी सिटी में देखें, इन सिटी माइलेज इसकी 20 किलोमीटर पर लीटर आपको मिलती है और इसकी अगर आप हाईवे पे माइलेज देखें तो हाईवे पे आपको 22 किलोमीटर पर लीटर मिलती है। ट्रांसमिशन इसमें गेयरबॉक्स जो है 5-speed मिल जाता है, ट्रांसमिशन टाइम मैनुअल है इसमें और सीटिंग कैपेसिटी 5 बंदों की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 35 लीटर का फ्यूल जो सा है लोड कर सकते हैं। और उसमें जो ब्रेक्स हमें मिलती हैं, फ्रंट जो सी ब्रेक है वो हमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं और रियर जो सी ड्रम लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्रेक्स है। और इसके अगर हम कलर्स देख लेते हैं तो कलर्स में हमें वाइट मिल जाता है, ग्रे मिल जाता है, रेड भी मिल जाता है, ब्लू मिल जाता है और ग्रीन भी मिल जाता है। और अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, इसमें बेसिकली इसमें दो वेरिएंट्स आए हैं, VXR और VXL आया है। और VXR जो सा मैनुअल है वो हमें 1000 cc जो मैनुअल है वो उसकी रोड प्राइस हमें मिलती है 14.5 लाख की। और सुजुकी कल्टस VXL जो सा मैनुअल रोड प्राइस है उसकी VXL वेरिएंट की वो हमें मिल जाती है तकरीबन 15.5 लाख की। और इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है, जो कि सुजुकी कल्टस ऑटो गियर शिफ्ट होता है, वो हमें तकरीबन मिल जाएगा 16.5 लाख के आपको राउंड अबाउट मिल जाएगा। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी शेप में बनाई गई है। अगर आप इसको देखें फ्रंट से, इसमें आपको हैलोजन HID लाइट्स मिल जाएंगी, क्रोम ग्रिल की टू लाइट्स में आपको क्रोम ग्रिल मिल जाएगी इसकी, ठीक है, और साथ में सुजुकी का लोगो आपको मिल जाएगा इसके दरमियान में और इसके साइड मिरर्स में भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी बैक साइड देखते हैं, बैक रियर जो सी LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद यू नो पार्किंग लाइट्स के साथ। तो और इसके साथ हमें इसके बिल्कुल रूफ पे टॉप पे जो सा इसकी जो सी ब्रेक्स ब्रेक भी मिल जाती है, जैसे ब्रेक लाइट्स मिल जाती हैं वो, जो कि बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत किस्म की लग रही होती है। और इसके बाद हमें इसके सुजुकी का लोगो भी मिल जाता है इसमें। और ये गाड़ी को देखिए, गाड़ी बहुत अच्छी शेप में बनाई गई है, इस गाड़ी में किसी किस्म की कमी कोई नहीं है। इसकी जो कंपटीटर कार्स है, कंपटीटर वो मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें इसकी कंपटीटर कार जो है वो जो सी टोयोटा पैसो है, मिट्सुबिशी मिराज है, टोयोटा विट्स है और सुजुकी वैगन आर है, ये इसकी कंपटीटर कार्स हैं। और ये बेसिकली आपको मैंने बताया दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 67 hp या 6000 rpm के, 20 से 22 किलोमीटर इसकी पर लीटर माइलेज देती है, व्हील बेस
14 इंच सीटिंग कैपेसिटी इसमें 5 मिल जाती है 1000 सीसी इंजन के साथ। इसमें ऑटोमेटिक भी ट्रांसमिशन है, मैनुअल भी ट्रांसमिशन दोनों मिल जाती है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चलते, इसकी अपडेट्स के बारे में पता चल सके और इसकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स सब के बारे में पता चल सके। तो अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग मेरे चैनल में न्यू है वो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव अच्छी अच्छी कार रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।